दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की दोहरी मार पड़ रही है। इसी बीच मौसम विभाग के अलर्ट में लोगों को राहत मिलने वाली खबर नहीं आई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक लोगों को शीतलहर और कोहरे से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर पंजाब और हरियाणा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक जारी रहेगा। अगले 24 घंटे में इन प्रदेशों में हल्की बारिश भी हो सकती है। छुट्टी वाले दिन भी कड़ाके की ठंड और गलन की वजह से लोगों को घर में ही रहना पड़ सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में 24 जनवरी तक कुछ हिस्सों में शीतलहर चल सकती है। दिल्ली के मौसम विभाग की बात करें तो शनिवार को अधिकतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री था। दिन में बहुत कम देर के लिए लोगों को धूप के दर्शन हुए थे। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को भी दिल्ली के कुछ हिस्सों में शीतलहर चल सकती है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी तक शीतलहर का अनुमान है। 24 जनवरी तक लोगों को कोहरे और कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि अब ठंड का पीक खत्म हो गया है। IMD के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पंजाब और हरियाणा में गलन वाली ठंडी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बिहार के लिए 24 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। ठंड के साथ घने से लेकर मध्यम स्तर तक के कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। कोहरे की वजह से शनिवार को भी दिल्ली आने वाली 11 ट्रेनें समय से देरी से चल रही हैं। कोहरे और धुंध की वजह से लोगों को सड़कों पर गाड़ी चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।